हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन ढाका चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो सब्ज़ी शेयर करने जा रही हूँ वो है बिल्कुल ढाबा स्टाइल में मशरूम, कढ़ाई मशरूम। तो कढ़ाई मशरूम ढाबा स्टाइल में हम कैसे बनाएंगे और उसको वैसा ही फ्लेवर हम कैसे देंगे बहुत ही कम सामान के साथ में और बिल्कुल बहुत ही कम बजट में, आप लोगों को मैं ये सब्ज़ी बताऊंगी कि आप कैसे बना सकते हैं। तो आपको वीडियो में दिख तो रहा ही होगा कि कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है सब्ज़ी। तो इस सब्ज़ी के लिए हमें किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी ताकि हम, और कैसे मैं इसको बनाऊँगी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो मैं बताती हूँ कि कैसे बनेगी ये सब्ज़ी और किन सामान की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये ग्रेवी के लिए सामान लिए हैं और इसमें मैंने 200 ग्राम मशरूम लिया है और लहसुन लिया है और अदरक ली है और 2 टमाटर लिए हैं और 3 मैंने प्याज लिए हैं और 2 हरी मिर्च ली हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स, एक बाउल में मैं पानी गर्म करने को रखती हूँ। तो पानी हमारा गर्म हो गया है, तो गर्म पानी हम एक बाउल में जिसमें हमने मशरूम डाले थे उसके ऊपर से हम डालेंगे गर्म पानी। मशरूम को जब भी हमें साफ़ करना होता है तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कि गर्म पानी हम मशरूम के अंदर डालेंगे तो मशरूम बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए, इसके अंदर हमें गर्म पानी डालने के बाद में इसको हम कंटिन्यू ऐसे एक चम्मच लेके और उससे ऐसे धुलेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से, मतलब धुल जाएंगे, इस पर जो भी मिट्टी वगैरह होगी वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो कंटिन्यू हम इसको 1 मिनट के लिए ऐसे चलाते रहेंगे ताकि हिलाएंगे इधर से उधर तो इसकी सारी मिट्टी निकल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हल्का हल्का सा ऐसा लग रहा है साफ़ हो गए, सारी मिट्टी इस पे से उतर गई है। तो हम बस ऐसे ही कंटिन्यू इसको चला के और फिर इसको ढक के रख देंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होता है, मशरूम को जब भी साफ़ करें इसको खुला नहीं छोड़ें, काटने के बाद में भी नहीं खुला छोड़ना होता, तो मैं ढक के रख दूँगी। और इधर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये प्याज जो है उनको कट कर लिया है और जो हरी मिर्च लहसुन अदरक था उसका भी पेस्ट बना लिया है, टमाटर की भी मैंने प्यूरी बना ली है। और इधर देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, तेल मैंने जो है वो सरसों का तेल लिया है। मस्टर्ड ऑयल में जो सब्ज़ी बनाते हैं वो बहुत ही अच्छी बनती है और मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं तकरीबन मस्टर्ड ऑयल ही सब्ज़ी में यूज करती हूँ। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और ये डाल दी है मैंने इसमें हींग। तो दोनों को मैं अच्छे से पका लूँगी। बस हींग और जीरा हमारा पक के तैयार हो गया है। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है हमें जो प्याज हमने कट किए थे वो प्याज मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इनको मैं अच्छे से पका लूँगी। तो गैस की फ्लेम जो है प्याज पकाने के लिए हमें फुल ही रखनी है, तो फुल जो गैस की फ्लेम है उस पर मैंने प्याज को पका देना है। तो सरसों का तेल जब भी थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है तो उसमें जो चीज़ हमें पकानी होती है वो फटाक से पक जाती है। तो प्याज के साथ साथ में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसको भी पका दूँगी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जब लहसुन अदरक मैंने इसके अंदर डाल दिया तो अभी मैं गैस की जो फ्लेम है उसको स्लो टू मीडियम कर देना है, क्योंकि लहसुन और जो अदरक है वो कढ़ाई में चिपक जाएगी, मतलब जल जाएगी, इसलिए हमें स्लो टू मीडियम में इसकी फ्लेम को कर देना है और अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए पक गए हैं। अभी हमने जो टमाटर की प्यूरी ली थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो टमाटर की प्यूरी को भी हम इसके अंदर अच्छे से पका लेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम ही रखना है। तो कंटिन्यू मैं ऐसे चलाऊंगी तो ये जो टमाटर की प्यूरी है वो भी अच्छे से पक जाएगी और बहुत बढ़िया कलर आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी टमाटर की प्यूरी थी वो भी पक के तैयार हो गई है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। अभी चलिए हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने नमक लिया है, नमक डाल दूंगी इसके अंदर और नमक के बाद में मैं इसमें जो भी हम नॉर्मल मसाले यूज़ करते हैं मैं इसमें कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं डालूंगी। हल्दी पाउडर डाल दिया है और रेड चिल्ली पाउडर डाल दूंगी। मैं कश्मीरी लाल मिर्च इसमें यूज करूँगी, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो देखिए मैंने लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर डाल दी है और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया पाउडर। बस हम जो नॉर्मल से मसाले हैं वो ही मैं इसके अंदर डालूँगी, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालूँगी और उसी से बहुत बढ़िया फ्लेवर हमारी सब्ज़ी का आ जाएगा। तो ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है और सारे जो मसाले हैं उनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी ग्रेवी में। तो देखिए कंटिन्यू मैं इसको ऐसे हिलाते हुए ग्रेवी के अंदर मिक्स कर दूंगी तो मसाले का बहुत ही बढ़िया कलर आ जाएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा कि कितना बढ़िया कलर आ गया है हमारे मसाले का। तो सारी ग्रेवी जो है बनके तैयार हो गई है। बस मैं इसको कंटिन्यू ऐसे ही हिलाती रहूँगी और अभी मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला।
तो गरम मसाला भी मैं इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस एक आधा सा चम्मच गरम मसाले का इसके अंदर डाल दूंगी और फिर उसको भी मैं इसमें मिला दूंगी और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के पका दूंगी। बस थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग इसमें पानी डाल दूंगी, नहीं तो ग्रेवी हमारी जल जाएगी, इसलिए मैं 2 चम्मच जो टमाटर की प्यूरी वाली कटोरी थी उसी में डाल के डाल दूंगी। तो ये देखिए मैं डाल दी हूँ पानी और इसको मिक्स करके और अच्छे से ढक के पका दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, से मैंने ढक के इस ग्रेवी को पका दिया है और देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है इसका और ये पक्के तैयार हो गई है। अभी हमें क्या करना है, इसमें डाल देनी है 1 कटोरी जो हमारे घर का दूध होता है उसी की मलाई। तो मैं मलाई से ये जो है ग्रेवी तैयार करूँगी। आप इसमें चाहो तो इसमें काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट मैंने बोला था कि मैं कम सामान के साथ ये सब्जी आपको बना के बताऊँगी, तो मैंने इसमें काजू नहीं डाले हैं, मैंने डाली है इसमें मलाई। तो मलाई से भी सेम ग्रेवी मैं बना के आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए मलाई डालने के बाद में कितनी ग्रेवी जो है हमारी एकदम से रिच ग्रेवी बन गई है, जैसे हम काजू का पेस्ट डालते हैं सेम वैसी ही। और ये मैंने 1 चम्मच दही डाला है, दही भी हमारा गाढ़ा दही होना चाहिए इस ग्रेवी में डालने के लिए। गाढ़ा दही जब हम डालते हैं तो ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया उसका कलर आता है और पानी पानी नहीं होता है, तो वो ग्रेवी बहुत ही रिच और बहुत बढ़िया लगती है। तो देखिए मैंने दही डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। दही डालने के बाद में हमें छोड़ना नहीं है सब्जी को, कंटिन्यू जो हमारा ग्रेवी है उसको कंटिन्यू मिलाते रहना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिला दिया है इसको अच्छे से और अब इसको मैं ढक के थोड़ी देर के लिए पका दूंगी। और इधर देखिए मैं हमारे जो मशरूम थे उनको हमने ढक के रखा हुआ था, तो मशरूम जो है उनको हम साफ़ कर लेंगे, एकदम से साफ़ हो गए हैं। पर इसके अंदर जो पानी है वो गर्म पानी है, तो इसको 2-3 बार हम फ्रेश वाटर से धो लेंगे। तो मैंने देखिए फ्रेश पानी से इसको धो लिया है अच्छे से और साफ़ हो गए हैं। अभी मैं इसको कट कर लूँगी। तो मैं जो हमारे मशरूम है उनको मैं सिर्फ 2 पीसेज में कट करूँगी, आप चाहो तो छोटे पीसेज में भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। मैं हमेशा ऐसे थोड़े से मोटे मोटे जो होते हैं मशरूम वो सब्ज़ी में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं सिर्फ़ इसके 2 ही पीसेज करूँगी। तो हम कंटिन्यू ऐसे ही कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने मशरूम को कट कर लिया है और इधर हमारी ग्रेवी जो है वो भी बनके तैयार हो गई है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया हमारी ग्रेवी का और मशरूम जो है वो हमें इसके अंदर अब ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मशरूम डाल दिए हैं इसके अंदर और अभी बहुत ही हल्के हाथ से मशरूम जो है वो ग्रेवी में मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर देना है इसके अंदर ताकि जो मसाला है वो मशरूम में अच्छे से घुल जाए। और ये देखिए सारे घुल गए हैं और अभी मैं इसके अंदर 1/2 कटोरी पानी डाल दी हूँ ताकि ग्रेवी अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए मशरूम में। तो ये देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है और अभी मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं हरे आल के प्याज। हरी आल के प्याज जब भी हम किसी भी सब्जी में डालते हैं तो सब्जी का फ्लेवर जो है वो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए आप किसी भी सब्जी में इनको यूज कर सकते हैं। सब्जी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, तो अभी मैं आपको एक सर्विंग बाउल में सर्व करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सर्विंग बाउल में सर्व कर दी है सब्जी को। तो देखिए देखने में बहुत ही बढ़िया कलर लग रहा है इसका और ये थोड़े से जो आल के प्याज बचे हुए थे वो मैं इसके ऊपर टॉपिंग के लिए डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये कढ़ाई मशरूम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर तो ज़रूरी कीजिए और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं आपको फिर मिलूँगी ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।